गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। यहाँ पर मैं अंडा करी बना रही हूँ। थोड़ा सा आलू इसमें नहीं मिलाऊंगी, टमाटर के साथ ही बनाऊंगी। मसाला को मैंने अच्छे से बना लिया है, लहसुन अदरक स्वादानुसार मसाला नमक ये सब डाल दिया है। टमाटर अच्छे से गलने देंगे, फिर उसके बाद मिलाएंगे। अंडा को मैंने ऐसे फ्राई करके रख दिया है, बॉयल कर लिया था, बस मिलाना है। और इधर मैं थोड़ा सा बीन्स आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ डोली पारी दोनों के लिए। और आजकल ना उन दोनों का दिन में स्कूल हो रहा है, तो मैं सुबह के टाइम पे बना देती हूँ, फिर वही वाला लंच मतलब सब्जी दे देती हूँ। ऐसे ख़त्म हो जाता है तो बना देती हूँ। ऐसे 2 बजे का स्कूल रहता है ना, टाइम होता है, तो यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ। और ये रहा अंडा फ्राई कर रखी हूँ, इसको बस टमाटर गलने के बाद मिक्स कर दूंगी और थोड़ा बहुत टिप टॉप पानी डाल दूंगी, ग्रेवी करूंगी थोड़ा सा। और कुछ देर अभी नहीं बना है टमाटर। और इधर मैं हस्बैंड जी के लिए लंच वगैरह पैक कर दिया है, नाश्ता वगैरह दे दिया है और वो ऑफिस के लिए निकल गए हैं। अभी इधर हम सब लोगों के लिए मैं रोटी बना ले रही हूँ, हम सब भी नाश्ता कर लेंगे। सब ने नाश्ता कर लिया था। और यहाँ डोली परी दोनों को ये जो नमकीन बनाया था चावल का आटा से, ये बहुत पसंद है, तो इन दोनों यहाँ ने निकाल रखे हैं और पार्टी कर रहे हैं। बोल रहे थे, पूछ रहे थे तो क्या कर रहे हो करके पूछ रहे थे, तो हम दोनों यहाँ पार्टी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अपना स्टोरी सुना रहे थे जो टीवी में देखते हैं ना वही। और घर सब भी मैंने पोछा लगा लिया था, दरी सब हटा लिया था। और पोछा लगाने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चलने में भी एकदम साफ साफ, मतलब रेत सा नहीं लगता, मतलब बिना पोछा लगाए तो लगता है ना पिछलन सा, गंदा सा। और पोछा लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, और जब नहा के निकलते हैं तब तो और साफ साफ सा लगता है। डोली परी दोनों तैयार हो गए हैं, इधर मैं डोली परी दोनों के लिए लंच पैक कर दे रही हूँ। आलू राशि बोल रहे थे, तो मैंने इन दोनों के लिए अलग से आलू तरी कर दिया था। आलू बहुत पसंद है, जैसे भी बना दो, पराठा बना दो या ऐसे तरी कर दो, सूखा इन दोनों को भी ऐसे पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत ग्रेवी पसंद है। और यहाँ पर मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ दाल और चावल चढ़ा दे रही हूँ, तड़का लगा दे रही हूँ एक साथ दाल को, लाल मलका बना रही हूँ। चावल भी इधर चढ़ा दिया है, साथ में मसाला वगैरह सब कुछ साथ में ऐड कर दे रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक टमाटर ये सब। 1-2 मिनट भून लेंगे फिर पानी डाल देंगे। दाल में मैंने पानी सब डाल दिया है और अभी बनने के लिए रख दे रही हूँ। और इधर मैं साथ में बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिया था जो सुबह से गंदा हो रखा था, नाश्ता वास्ता करने के बाद रख दिए थे, एक साथ करेंगे करके थोड़ा बहुत ही था, तो उन सबको भी मैंने साफ़ कर दिया था और स्टैंड में भी रख दे रही हूँ, नहीं तो ऐसे इधर उधर फैला रहेगा करके साथ में रख दे रही हूँ। दाल चावल तैयार हो गया है और मैं इधर खाना निकाल ले रही हूँ खाने के लिए, भूख भी लग रही थी ऐसे। खाना सब खाने के बाद मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, ये जो छोटा सा कड़ी पत्ता है ये ना अभी थोड़ा ग्रो होने लगा है,
पल है। तो पिछले साल तो बिल्कुल भी जैसे लंग आया था ऐसे ही था, मतलब पत्ते सब निकले नहीं थे। इस बार तो पत्ते निकल आए हैं, छोटे छोटे पतले पतले से, चौप चौप से। तो मैंने इसको बड़ा वाला गमला में कर दे रही हूँ। पहले तो हमने सिर्फ छोटा वाला गमला में लगाया था। पहले ना गमला सब में खाली भी नहीं था, और सब गमलों में मतलब फ्लावर्स था, सदाबहार के बहुत बड़े बड़े पौधे थे। अब तो कुछ भी नहीं है, अभी ना छोटे छोटे हो रखे हैं, वो सब अभी लगाना है। अभी बहुत ही छोटे हो रखे हैं, बीज जो गिरे थे ना गमलों में वो अभी निकल रहे हैं ऐसे। और यहाँ मैंने सही से अच्छे से मिला लिया है, गमला में जो मिट्टी बड़े बड़े थे वो सब अच्छे से कर लिया है। और ये छोटा सा जो कड़ी पत्ता है उसको मैं निकाल के उसमें लगा दूँगी। ये रहा, निकल गया है। और इसमें थोड़ा बहुत ना वो राख जो आग जलाया था ना वो वाला भी है, तो थोड़ा बहुत मैं वो सब डाल दूँगी ऐसे। पहले तो चाय पत्ते यूज करते थे, जब से प्लांट सब मतलब ऐसे नहीं है तब से कुछ नहीं यूज कर रहे हैं ऐसे। और सारे ही पौधे ख़राब हो गए हैं मेरे, जो भी फ्लावर्स के थे। ये रहा, इसमें थोड़ा बहुत राख है। आग भी इतना नहीं जलाया था, बीच बीच में जब ज़्यादा ठंड होता था ना तभी जलाते थे, थोड़ा बहुत ही राख बना है। तो वही मैं थोड़ा बहुत सब में ऐड कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद ऊपर से मैं थोड़ा बहुत पानी डाल दूँगी ताकि मिट्टी बैठ जाए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरे चैनल पर। अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।